मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 23 वर्षीय आरोपी हरीश कुमार बालकराम को यूपी के बहराइच से कथित तौर पर सनसनीखेज हत्या के लिए पैसे मुहैया कराने और रसद का इंतजाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बालकराम पुणे में कबाड़ विक्रेता के रूप में काम करता था और वह साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने पहले सिद्दीकी की हत्या के आरोप में हरियाणा निवासी गुरमेल बलजीत सिंह उत्तर प्रदेश मूल निवासी धर्मराज राजेश कश्यप को गिरफ्तार किया था। तीसरा शूटर शिव प्रसाद फरार है।